बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर रूट के अंदर ए बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ए ओवर बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर रूट के अंदर ए बी। सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इनको फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू, उनको तो यहाँ जाएगा इनसे सिक्स स्क्वायर तो 36 आ जाएगा और इनसे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ए और बी आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लग देंगे इनको इस साइड पर लाएंगे, यहाँ लग देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ जाएगा माइनस 36 ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों से माइनस 34 ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे ए बी पर, इनको भी ए बी पर डिवाइड करेंगे, इनको भी ए बी पर डिवाइड करेंगे और इनको भी ए बी पर डिवाइड करेंगे और इनको भी ए बी पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ इन दोनों से आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस, इन दोनों से आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय ए और इनसे आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस 34 इज इक्वल टू इनसे ज़ीरो। इसके बाद क्या करेंगे, लेट ले लेंगे ए डिवाइड बाय बी को किसके बराबर, एक्स के बराबर और बी और ए से आ जाएगा वन ओवर एक्स के बराबर, तो यहाँ जाएगा इनकी जगह जाएगा एक्स प्लस इनकी जगह वन ओवर एक्स माइनस 34 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो यहाँ इनको भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा इनसे, इन दोनों से एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 34 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू इनसे ज़ीरो। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जाएगा इनसे एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा प्लस वन माइनस 34 एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद इनको इस तरह लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ एक इसके बराबर आ जाएगा वन के बराबर 34 के बी सी वन के बराबर आ जाएगा। इन तमाम वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला में फुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b किसके बराबर है माइनस 34 के, तो यहाँ 34 आ जाएगा प्लस माइनस और बी स्क्वायर की जगह जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 1156 माइनस इन सब की जगह 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई
टू ए तो इनकी जगह आ जाएगा टू। इसके बाद एक्स इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस इनसे क्या आता है, इनसे आता है 1152 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करते यहाँ लिख देंगे 576 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद ये 576 नहीं है, इनको सब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 576 नहीं, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 24 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 24 स्क्वायर, तो यहाँ इनसे क्या आ जाएगा 24, तो यहाँ 1152 की जगह लिख देंगे, बाकी वीडियो को तो अपनी जगह लिख देंगे और इनकी जगह लिख देंगे 2, उसके रूट के अंदर 2 24 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद क्या करेंगे, इनसे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 प्लस 12, इनसे 12 आ जाएगा, उसके रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। इसके बाद एक्स को हमने किसके बराबर लिया था, इसको हमने लिया था ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया।